स्टार प्लस की गॉर्जियस अभिनेत्री प्रणाली राठौर अपने ऑन एंड ऑफ स्क्रीन बॉयफ्रेंड हर्षा चोपड़ा के साथ जबरदस्त बॉन्डिंग के लिए दर्शकों के बीच में बहुत ज्यादा तारीफें बटोर रही हैं, जहां पर दर्शकों को इन दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की सभी हरकतें काफी ज्यादा प्यारी लगती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मशहूर अभिनेत्री प्रणाली राठौर को अपने बॉयफ्रेंड हर्षा चोपड़ा की चार हरकतें बहुत ज्यादा घटिया लगती हैं, जिससे ये बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। पर हर्षद की वो चार बेकार हरकतें कौन कौन सी हैं, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में एक एक करके। नंबर एक, स्मोक करना। प्रणाली राठौर को अपने बॉयफ्रेंड हर्षद चोपड़ा की स्मोक वाली आदत बहुत ज्यादा बुरी लगती है। हर्षद की इतनी जबरदस्त बॉडी है कि वो कमाल के दिखते हैं, ऐसे में स्मोकिंग करके वो अपने शरीर को खराब ना कर ले, इसी वजह से प्रणाली बहुत ज्यादा परेशान रहती है और हर्षद की इस हरकत से प्रणाली को हद ज्यादा नफरत है। नंबर दो, ओवर फ्रेंडली होना। हर्षद चोपड़ा भले ही सीरियल में काफी गुस्से नजर आते हैं, जहाँ पर वो ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं दिखा देते, पर रियल में हर्षद चोपड़ा ओवर फ्रेंडली पर्सन है, जो किसी से भी हंस के खुल के बात कर लेते हैं और दो मिनट में दोस्ती कर लेते हैं, और इसी वजह से लोग अक्सर हर्षद का फायदा उठा जाते हैं। इसी हरकत को इनकी गर्लफ्रेंड प्रणाली राठौर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। नंबर तीन, अपनी केयर ना करना। प्रणाली राठौर को हर्षद की तीसरी हरकत जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो ये है कि प्रणाली ने कभी भी हर्षद चोपड़ा को खुद की केयर करते हुए नहीं देखा है। जी हाँ, हर्षद को जो कपड़े मिलते हैं वो पहनकर शूटिंग पर आ जाते हैं, ना वो ढंग से खाते हैं ना पीते हैं, और सारा टाइम काम ही करते रहते हैं, और यही चीज प्रणाली को नागवारा गुजरती है। नंबर चार, ओवर थिंकिंग करना। बहुत कम लोग जानते हैं कि हर्षद चोपड़ा हद से ज्यादा सोचते हैं। जी हाँ, वो अपने पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसी वजह से वो ज्यादा खुश नहीं रह पाते। प्रणाली कई बार कोशिश करती है कि हर्षद खुलकर हंसे कूदे, पर हर्षद ओवर थिंकिंग की वजह से अकेले रहते हैं और हर्षद की ये सीरियस प्रॉब्लम वाली हरकत प्रणाली को अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों, क्या आपको भी मिस्टर चोपड़ा की ये हरकतें अच्छी नहीं लग रही हैं? कमेंट करके बताएं, और इसी तरह की तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।